तो मैंने कहा मुद्दा एक नहीं है हमें पांच दस मिनट में मुद्दे गिनाता हूं क्या क्या करना है चुनाव के बाद उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी संगठन मजबूत बनाओ देखो हमेशा संगठन के कारण से जीत हुई है दुनिया में भीड़ ने कभी भी कुछ नहीं जीता है भीड़ तो पीछे पीछे हो ले लो भाई ले लो बस बस जय बोलने का काम करती है भीड़ भीड़ ने कभी भी समाज में नेतृत्व नहीं किया आप लोगों को और भाई देखो जहां तक भीड़ का प्रश्न है भाई बारह करोड़ से ज्यादा लोगों के हम प्रोग्राम कर चुके हैं और हिंदुस्तान के सवा सौ करोड़ में सौ करोड़ से ज्यादा लोग अपने इस काम के प्रति अच्छी भावना रखते हैं सवा सौ करोड़ के हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल है आदमी का गांव थोड़ा बड़ा सा हो तो गांव के लोग नहीं पहचानते शहर बड़ा हो तो शहर के लोग नहीं पहचानते अरे इस देश के सवा सौ करोड़ लोगों में सौ करोड़ से ज्यादा लोग इज्जत के साथ हमारे नाम को नहीं हमारे काम को जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के लिए तो इतना बड़ा ये सब काम तो हो चुका है अब उसको संगठित करके अपने को संगठन की शक्ति को मजबूत करना है इसके लिए आज आपको बुलाया है कि ये कार्यालय कार्यालय प्रभारी और उसमें नियमित रूप से पांचों संगठनों का प्रशिक्षण संगठन का निर्माण प्रशिक्षण निरीक्षण ये तीन शब्द आपको दिए गए और फिर डोर दो टू डोर कैंपेन लोगों का माइंड सेट चेंज करना छोटी छोटी बातों से लोगों का दिमाग बदलेगा लोग सच के साथ खड़े होंगे आगे अभी करना क्या है मोदी जी के सत्ता में आने के बाद हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाना है ये जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंपनियां हैं ये सब बंद करनी पड़ेंगी गोमूत्र और गोबर से खेती होगी हमारे बच्चों को शुद्ध आहार हमें खिलाना है जहर नहीं खिलाना है उसके लिए बड़ी मुहिम चलानी है ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अरे किसी के अरे हमने पांच हजार दस हजार करोड़ रुपए की कोका कोला और पेप्सी वालों की जो दुकानदारी चल रही थी जब उसके ऊपर हमने चोट की तो चारों तरफ से हम पर आक्रमण होने लगे आज इस देश में छोटा छोटा जिनका बिजनेस है सौ दो सौ पांच सौ हजार दस हजार करोड़ रुपए का उसके ऊपर जब कहीं चोट आती तो तिलमिलाने लगते हैं लाखों करोड़ की इंडस्ट्री तबाह करनी है हमें जो इस देश के अंदर जहर फैला भर रही है लाखों करोड़ की इंडस्ट्रियां हजारों लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है गो गोकशी चलाने वालों की फिर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड चलाने वालों की ये इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती है इसके पीछे बहुत बड़ी जो है एक चैन है ऑटोमोबाइल कंपनियों की कोई कुछ अब जब बैल से खेती होगी नंदी का काम हो, होगा उस समय सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां उनके पीछे एक बहुत बड़ी चैन है उनकी कि भैया ये ट्रैक्टर खरीदो ये हैरो खरीदो ये कल्टीवेटर खरीदो ये ऐसा करो ये ऐसा करो फिर ये ये यंत्र खरीदो जो पूरी इन, बनाने वाली जो कंपनियां उनका हजारों लाखों करोड़ रुपए दावों पर लगा हुआ है एक एक कंपनी कितना कितना यूरिया कितना कितना डीएपी कितने कितने पेस्टिसाइड जो कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां उन सबका दावों पर लगा है ये तो एक पक्ष मैंने बताया अब हम कह रहे हैं कि भैया इस देश के अंदर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा फिर से करो दस लाख करोड़ रुपए का बिजनेस उसके पीछे लगा पड़ा भाई हिंदुस्तान में इतनी जड़ी बूटियां हैं श्रद्धे आचार्य बाग जी ने दस हजार से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर खोज करके दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया है एक एक जड़ी बूटी में इतनी ताकत है इतनी शक्ति है कि हम एक गिलोय से गिलोय से इस देश में सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए कमा सकते पूरी दुनिया में करीब पांच करोड़ लोग मरते हैं खाली मलेरिया से पेटेट कम होने से स्वाइन फ्लू से डेंगू से कितने पांच करोड़ अब गिलोय के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें, ये भी हम काम करवाएंगे अभी तक 97 परसेंट बजट एलोपैथी को दिया जाता है हम कहेंगे 50 50 तो देना शुरू करो सेवन परसेंट एलोपैथी को तीन परसेंट में योग आ गया आयुर्वेद आ गया सिद्ध आ गया यूनानी आ गई सारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति आ गई मानी तीन परसेंट में पांच पैथिया और सतानवे परसेंट में एक पैथी तो ये एलोपैथी मंत्रालय है या ये भारत का हेल्थ मंत्रालय है तो इस एलोपैथी मंत्रालय को भी हेल्थ मंत्रालय में बदलवाना पड़ेगा और हिंदुस्तान की चिकित्सा परंपरा को ही आमूलचूल परिवर्तन कराना पड़ेगा हिंदुस्तान के खेतों में एक एक किसान दस दस लाख रुपए की जड़ी बूटियां बो सकता अपने खेत में हिंदुस्तान की जड़ी बूटियों से पूरी दुनिया के अंदर जो करीब सो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हो रहा है जड़ी बूटियों का सो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो हेल्थ सेक्टर में बिजनेस हो रहा है सो लाख करोड़ भारत की कुल जी डी लाख करोड़ की है हम सो लाख करोड़ नहीं पच्चीस पच्चीस लाख करोड़ कम से कम पूरी दुनिया का वन फोर्थ जो है वो हम हेल्थ में एक्पाई कर सकते हैं पच्चीस लाख करोड़ लेकिन उसके लिए चेंज करना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में पूरा परिवर्तन आए और हिंदुस्तान में अच्छी चरित्रवान स्वस्थ बलवान प्रज्ञावान महान संताने तैयार हों कैसे होंगी जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी कुछ भी नहीं बदल सकता और जिस दिन शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया उस दिन हिंदुस्तान बदल जाएगा माइंड सेट बदल जाएगा देश के बच्चों का जवानों का तो प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटियों तक पूरा सिलेबस बदलना पड़ेगा इसके अंदर सारे के सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो लगभग हुए जो हम लोगों को लगता है नहीं, ये इलीट इलीट इली, so इलीट सो कॉल्ड ये मैं कर, इनको बोलता हूं लिटरेट इडियट्स इन्होंने इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर कर रखा है तो हिंदुस्तान की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना कोई छोटा काम नहीं है ये बहुत बड़ा काम है तो भैया इस बार अब सबको मिलकर के ऐसा जोर लगाना है कि भारत में शिक्षा का भारतीयकरण करना है